दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। इसने अभी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है।
खुद को बघीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बघीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं,
खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। इसने अभी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शख्स से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत,
प्रकाश राजी, अच्युत कुमारे, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। इसने अभी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है,
तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बघीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बघीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है,
तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है।
लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा।
आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं
तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शख्स से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों आईएमडीबी की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राज, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। इसने अभी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है।
खुद को बघीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बघीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं,
खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है।
तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत,
प्रकाश राजी, अच्युत कुमारे, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है,
तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है। एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए, तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके।
उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि
प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदारी भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये मूवी, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी वसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों
दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में।
ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री मुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है।
खुद को बघीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बघीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों
युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सब से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है ये। मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा।
आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में। तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में। स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है।
खुद को बघीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बघीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कॉन्स्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDb की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ से होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है, तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी, ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में, मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों
युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है, जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत शक से बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी बघीरा मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बघीरा मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन हमें इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 31 अक्टूबर 2024 में रिलीज की गई काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी बघीरा, जो कि आपको एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको दोस्तों मूवी का प्रीमियम काफ़ी पसंद आने वाला है, तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों मूवी को किसने डायरेक्ट किया है, तो मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों सूरी, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर है। इन्होंने दोस्तों मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की रेटिंग के बारे में, तो मूवी को दोस्तों IMDB की तरफ से 10 में से 8.4 की रेटिंग दी गई है, एंड गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को 98% तक लाइक किया है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप मूवी को एक बार तो इंजॉय ज़रूर कर लीजिएगा। इतनी अच्छी रेटिंग रिस्पॉन्स से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात करें दोस्तों अपन मूवी की स्टारिंग कास्ट के बारे में, स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि श्री इमुरली, रुक्मणी बसंत, प्रकाश राजी, अच्युत कुमार, रंगायन रघु, रामचंद्र राजू आदि कई बड़े कलाकार मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी है। बात करें इतने बड़े बड़े कलाकार आपको मूवी में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो मूवी की कुल टाइम लेंथ है दोस्तों 2 घंटे 38 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ होनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको आपके डिजिटल नेटवर्क पर देखने को मिलने वाली है और आपके निजी सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर इंजॉय कर लीजिएगा आपके डिजिटल नेटवर्क पर जाकर और निजी सिनेमाघरों में जाकर। और ये मूवी आपको किस तरह की लगी ये हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप हमें एक बार ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अपन मूवी की कहानी के बारे में। मूवी की कहानी दोस्तों आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी लगने वाली है। मूवी की कहानी शुरू होती है दोस्तों, युवा वेदांत प्रभाकर सुपर हीरो बनने की इच्छा रखता है, लेकिन बाद में वे पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है, क्योंकि कैंसर से मरने से पहले उसकी माँ उसे बताती है कि आम लोग असली सुपर हीरो होते हैं, खासकर पुलिस अधिकारी। वेदांत अपने पिता प्रभाकर की तरह पुलिस अधिकारी बनने का फैसला करता है। सालों बाद वेदांत अपनी पुलिस ट्रेनिंग पूरी करता है और मैंगलोर में पोस्टेड हो जाता है, जहां उसकी मुलाकात स्नेहा से होती है जो एक स्वतंत्र डॉक्टर है और उसके प्रति उसके मन में प्यार पैदा होता है। स्नेहा भी वेदांत से प्यार करने लगती है और वे सगाई कर लेते हैं। एक दिन वेदांत एक पुलिस अभियान का आयोजन करता है और शहर के कई बदमाशों को गिरफ्तार करता है, लेकिन भ्रष्ट उच्च अधिकारियों के कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है और वेदांत को ये जानकर झटका लगता है कि प्रभाकर भी एक भ्रष्ट अधिकारी है। एक दिन वेदांत एक लड़की को जलकर आत्महत्या करते हुए देखता है और उसे पता चलता है कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। इस घटना के कारण वेदांत रात में सुपर हीरो की पोशाक पहनता है, खुद को बगीरा कहता है और लड़की की मौत के लिए जिम्मेदार अपराधियों को बेरहमी से मार देता है। वेदांत सबसे बचने के लिए एक भ्रष्ट अधिकारी होने का नाटक करता है और रात में बगीरा बनकर अपराधियों को सफाया करना शुरू कर देता है, जिसमें एक हेड कांस्टेबल नारायण की मदद ली जाती है। तो दोस्तों मैं आपको मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, तो आप मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है, तो आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वे इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।